संगीत की कोई सीमा नहीं, ये एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई समझता है। म्यूजिक ड्राइव्स यू, इट गेट्स यू पंपिंग, इट वेक्स यू अप, एंड द राइट वॉइस इन ट्यून कैन हेल्प यू गेट थ्रू एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। और हमें तलाश है उसी आवाज की। मैं हूं आपकी सीजन होस्ट ग्यामरनी में, एंड वेलकम टू किनवान टी प्रेजेंट्स अरुणाचल आइडल सीजन 4। तो आज के राउंड के इंट्रोडक्शन से पहले मैं आप सबको मिलवाना चाहूंगी हमारे स्पेशल गेस्ट से। He is a very well-known photographer, filmmaker, producer, and also he was the director of the recently held Miss Arunachal 2020. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the one and only Mr. Tai Gungte. Zordar taliya for our special guest of the episode. Thank you so much, sir, for being with us today. Thank you. Sir, now may I request you to please join our two esteemed judges. तो गुंगे सर के बारे में मैंने आपको ये बता तो दिया कि रियल वर्ल्ड में वो करते क्या है। इनके इंट्रोडक्शन में एक छोटी सी चीज़ छूट गई, और वो ये है कि इन रियल वर्ल्ड ही इज़ नोन एज अ वेरी गुड फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, डायरेक्टर। तो गुंगे सर, मैं होप करती हूँ कि आज की जो एपिसोड है, गुंगे सर वैसे हमारे साथ दो दिन रहेंगे, कल भी रहेंगे वो हमारे साथ, तो मैं आशा करती हूँ कि इस एपिसोड में हंसते गाते आप हमारे कंटेस्टेंट को भी जज करें। हमारा जो अरुणाचल आइडल है, इसमें एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि हमारे बीच बहुत सारा प्यार है। हमारे जजेस को ही देख लीजिए, कितने प्यारे प्यारे हमारे जजेस हैं। मुझे देख लीजिए, मैं कितनी प्यारी हूँ। और हमारे कंटेस्टेंट के बारे में क्या कहे, एक से बढ़कर एक है, एक दूसरे को इतना सपोर्ट और इनकरेज करते हैं। अगर एक कंटेस्टेंट रिहर्सल करे तो बाकी चले नहीं जाते, वो वहाँ बैठते हैं और उनकी गलतियाँ निकालते हैं और उसे सुधारने में भी मदद करती है। लेकिन हमारे अरुणाचल आइडल के ऑर्गेनाइजर से इतना प्यार देखा नहीं गया, तो वो ये स्ट्रैटेजी बनाने लगे कि इनमें फूट कैसे डाली जाए। तो इतना सोचने के बाद उन्होंने ये प्लान किया कि लेट्स मेक देम फेस ईच अदर। तो इसीलिए आज का राउंड है जुगलबंदी राउंड, जहां पे दो कंटेस्टेंट एक साथ गाएंगे, और सही मायने में आज होगी सुरों का महासंग्राम। तो शुरुआत करते हैं आज के राउंड की, और बुलाते हैं हमारे सबसे पहले कंटेस्टेंट को। जोरदार तालियों से स्वागत करें लासा बिकी और ओकेनमान डोमिंग का। सो लेट द 12 बिगिन। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवाली है इश्क कोई, महकी से प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क, गिरता सा जल है इश्क कोई, उठता सा कलम है इश्क कोई, सांसों में लिपता है इश्क कोई, आंखों में दिखता है इश्क। मेरे दिल को तुझा से जुदा कर दे, यू बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना। तेरी वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवाली है इश्क कोई, महकी से प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क। सोचू तुझे तो है सुबह, सोचू तुझे तो शाम है, हो मंजिलों पे अब तो मेरी, चल के कोयले से हीरा बनके
ख्वाबों से आगे जल के हैं तुझे बताना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। साथ साथ चलते चलते हाथ छूट जाएंगे, ऐसे रातों में मिलो ना, बातें बातें करते करते रात कट जाएंगे, ऐसे रातों में मिलो ना। क्या हम है क्या रब है, जहाँ तू है वही सब है, तेरे लब खिले मेरे रब मिले, अब दूर क्या है जाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। थैंक यू। That was such a fun performance. Lhasa और Rukinman, क्या जुगलबंदी थी आप दोनों के बीच में। मुझे तो लगता है कि अरुणाचल आइडल के हर राउंड को आप डुएट राउंड ही बना देना चाहिए। That was so much fun. लेकिन फिलहाल सुनते हैं कि हमारे जजेस क्या कहते हैं आपके परफॉर्मेंस के बारे में। ये बोलना सही होगा कि आप दोनों ने इसको बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, आप दोनों ने कोशिश अच्छी थी। आप दोनों जब भी साथ में कोरस गा रहे थे तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा, मुझे ओवरऑल जो है वो अच्छा लगा, स्पेशली जो एंड पार्ट जो था वो बहुत बढ़िया गाया आप दोनों ने। गॉड ब्लेस, थैंक यू। थैंक यू सर। पहली बात यह है कि मुझे म्यूज़िक का इतना नॉलेज तो है नहीं, बट इस इंडस्ट्री में काम करते हुए कुछ समय हो गया है तो मेरे को बस इतना पता है कि देयर शुड बी एक फील होना चाहिए गाने में। तो हम चाहते हैं कि एज ए परफॉर्मर, एक सिंगर शुड बी ऑलवेज बी ए गुड परफॉर्मर, दे शुड बी एबल टू कनेक्ट विद द ऑडियंस, तब आपका परफॉर्मेंस सही होगा और यू कैन मेक ए इम्पैक्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। सो थैंक यू सो मच जजेस। जैसे कि छोछुंग मैम ने कहा, इट्स अ कमेंडेबल जॉब कि आप दोनों ने इस जुगलबंदी राउंड में एक दूसरे का साथ दिया। इससे ये साबित होती है कि हमारे ऑर्गेनाइजर्स की जो फूट डालने की कोशिश है वो फेल होती जा रही है, लेकिन देखते हैं कि अगले कंटेस्टेंट कैसे करते हैं। लेकिन ये मंच छोड़कर जाने से पहले मैं हमारे जो कंटेस्टेंट हैं उन सब के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे बिक्की सर से। हमारे जो बिक्की सर है उन्होंने शायद Season 2 और 3 में भी, आप अरुणाचल आइडल में आए थे। जी हाँ, ये अरुणाचल आइडल के Season 2 और 3 में भी आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेगा ऑडिशन से वो आगे जा नहीं पाए। तो मेंटली एंड साइकोलॉजिकली इसका इनके ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ा। ही वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू गिव अप हिज म्यूजिकल जर्नी, बट ये काबिले तारीफ़ की बात है, ही फॉट अगेंस्ट एवरीथिंग, ही फॉट अगेंस्ट हिज डिप्रेशन एंड हियर ही इज टुडे इन द टॉप 12 ऑफ अरुणाचल आइडल Season 4। और हमारी ओकिन मांग का ये कहना है कि इसे सिंगिंग जितनी पसंद है उससे ज़्यादा इसे स्पोर्ट्स पसंद है, एंड शी इज़ सो क्यूट। ये कह रही है कि अगर वो अरुणाचल आइडल का टाइटल जीत ले तो सबसे पहले प्राइज मनी से शी वांट्स टू बाय अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स शू। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों इसी तरह राउंड्स में आगे जाते रहे और अपने अपने जो सपने हैं, विशेस हैं, वो आप दोनों के पूरे हो जाए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। Lhasa और Rukinman के ओपनिंग परफॉर्मेंस के बाद लेट्स कंटिन्यू विद आवर ड्यूल एंड कॉल अपॉन द नेक्स्ट कंटेस्टेंट्स। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर तोको सामा एंड मे बी तालुक। वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा। वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा।
ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा। चाहे तुम्हें किस कदर मेरा दिल, तुमको नहीं है पता, ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा। दोनों जहां को भूला हूं मैं, तुमसे लगी है ऐसी लगन, चाहे कहो इसे आवारगी, चाहे कहो इसे दीवानापन। दिल ने कहा, दिल ने सुना, मैंने तुम्हें दिल भर चुना। अब दूरियां ना रही दरमिया, क्या रंग लाई वफा, ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा। वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा, ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा। देखा तुम्हें तो ऐसा लगा, मुझको मिला मंजिल का पता, चलना है हमको अब साथ में, तुझसे जुड़ा मेरा रास्ता। मैंने तो ली है ये कसम, पाओ तुम्हें जन्मो जन्म, सजदे किए मैंने शाम और शहर, मांगा है तुमको सदा, ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा। प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा, ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा। थैंक यू। That was such a wonderful performance. ऐसा लग रहा था कि जैसे कि स्टूडियो में कोई और मौजूद ही नहीं है, आप दोनों एक दूसरे में इतने खोए हुए थे। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि जजेस आपके परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले हम शुरू करना चाहेंगे छोचुंग के साथ। सो आई थिंक आई डोंट हैव टू टेल यू, मे बी एक जगह था जहाँ आप कुछ भूल गए सिंगिंग वाइज, मैं क्या बताऊँ, मे बी आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, इट गोज राइट थ्रू योर हार्ट, यू नो आई मीन, इट्स वेरी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट कट्स थ्रू, योर विब्राटो इज रियली नाइस। और वो जो टाइमिंग की बात थी, वो ड्रम सीक्वेंस के बाद जो टाइमिंग, वेरी वेरी गुड अटेम्प्ट, द टाइमिंग वॉज ऑलमोस्ट ऑन पॉइंट। थैंक यू मैम। ओके, सो ग्रेट जॉब। नाउ समा, माय गॉड, लाइक आपका ट्रेजेक्ट्री फ्रॉम द लास्ट टाइम आई सॉ यू टू टुडे इज जस्ट इनक्रेडिबल। थैंक यू मैम। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज आई हैव सीन ओवरऑल एवरीवेयर इन अरुणाचल आइडल। थैंक यू मैम। यस, we have to tell everyone this is a challenge for two people to sing together who have never sung together. Thank you. Very good job. Thank you मैम। समा, आपका जो है वो वर्ड्स आप जब आप गाते हो तो उनको क्लियरली लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है? मे बी मैं ये मानता हूँ कि सुर अगर लगने चाहिए तो लगने ही चाहिए, बट द गुड थिंग ये है दोनों में कि आप दोनों ने बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। और जस्ट फॉर दैट मे बी लिटिल वो जो पार्ट था, उसके अलावा बाकी सारा जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है? सो थैंक यू सो मच जजेस। सबसे पहले मे बी के बारे में बताती हूँ। मे बी बहुत ही कम उम्र में, अराउंड एक साल की थी वो जब मे बी की माँ गुजर गई, तब से लेके अब तक इमोशनली फिनेंशियली शी हैज़ सपोर्टेड हरसेल्फ। और अगर वो आज इस मंच पे पहुंची भी है तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड हर लव फॉर म्यूजिक। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मे बी। थैंक यू मे बी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह मेहनत करते रहे और बहुत ही आगे जाए, सिर्फ अरुणाचल आइडल में ही नहीं बल्कि आप दुनिया में बहुत आगे जाए। थैंक यू मैम। चलिए अब हम बात करते हैं सामा के बारे में। हमारे जो सामा जी हैं, इनको दरअसल पहले इतना पता नहीं था कि ये गाना गा सकते हैं। तो हुआ यूँ, एक छोटी सी कहानी है। जब इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन चल रहा था तब सिंगिंग कॉम्पिटिशन में इनका नाम दिया गया। तब 15 दिन के अंदर इनके एक टीचर ने इन्हें म्यूज़िकल ट्रेनिंग दी सो दैट कि वो सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सके। और उन्हीं 15 दिन के ट्रेनिंग के बाद
ही रियलाइज्ड, अरे मैं भी गाना गा सकता हूँ. तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर सही गुरु मिले तो एक शिष्य के करियर को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. बहुत ही सही कहा है किसी ने कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. सामा, आज आप इस मंच तक पहुँचे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपके लिए, आपके गुरु के लिए कोई मैसेज है. मेरे गुरु जी का नाम है श्री पशुपति नाथ पांडे जी है उनका नाम. और आज काफ़ी गैप हो गया कि हम मिले नहीं अभी हम, क्योंकि पास आउट हो गए स्कूल से. बट उन्होंने जो 15 दिन का जो मुझे टीचिंग किया था मुझे, तो मुझे आज तक याद है मुझे, और मैं हमेशा उनका आभारी रहूँगा मैं. थैंक यू. थैंक यू सो मच सामा, थैंक यू सो मच बेबी. बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस था आप दोनों का. अब देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या कहते हैं, वो हम जानेंगे थोड़ी देर में. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो 4 कंटेस्टेंट परफॉर्म कर चुके हैं, आगे के कंटेस्टेंट कैसे परफॉर्म करने वाले हैं ये हम जानेंगे थोड़ी ही देर में. मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद. Have you been looking for a perfect makeover for any special occasions or just love grooming yourselves for your own happiness? Worry no more! The Adhara Unisex Beauty Parlor stands out above all with the best skincare treatments from Korea and Thailand, which includes Gold Facial, Watershine BB Glow, Microneedling and loads more. Under the skillful hands of the beauticians, it's not all. We promise you the happiness of the beauty makeover for all the reasons and occasions, because you deserve to love yourself. For more information, please contact 84160-0253. वेलकम बैक टू किनवांटी प्रेजेंट्स अरुणाचल आइडल सीजन 4. आज है जुगलबंदी राउंड, यानी कि 2 कंटेस्टेंट एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं. 4 कंटेस्टेंट अब तक यहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं, अब देखते हैं कि बाकी के कंटेस्टेंट कैसे करते हैं. तो बुलाते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट को. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर बेबी मोसांग एंड पेम श्री. तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपनी तो दिल का पता दे, चाहूं मैं आना. तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपनी तो दिल का पता दे, चाहूं मैं आना. इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं दिया, फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूं मिलने, पूछूं तुझे एक बार. ओ तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं अपनी तो दिल का बता दे, चाहूं मैं. ऐसी कभी पहले हुई ना थी ख्वाहिशें, हो किसी से भी मिलने की ना की थी कोशिशें. उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूं मैं आना, आँखों आँखों में जता दे, चाहूं मैं आना. मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत हैं, गीतों में जिंदगी है, चाहत है प्रीत है. अभी मैं न देखूं ख्वाब को जिन जितना मुझ पे उतना इस दिल को तुझ पे होने लगा एतबार. तन्हा लम्हों में अपनी बुनते हूँ तेरे सपने, तुझसे हुआ मुझको प्यार. पूछूंगी तुझको कभी ना,
Wonderful. And Pem, you were looking like the perfect lover boy. Thank you. लेकिन अभी देखते हैं कि हमारे judges आपके performance के बारे में क्या कहते हैं. We'll start with Lukham sir. Pem and baby. Yes sir. शुरू कहाँ से करूँ वो सोच रहा हूँ actually. It was a wonderful, wonderful performance for me. आप तगड़ा साहब. तगड़ा लेता हूँ. क्योंकि आप एक फौजी हैं और परफॉर्मेंस फौजी भाइयों के लिए बहुत ही मैटर करता है. एवरी हर जगह एक्सीलेंट आना होता है. आप दौड़ में कहिए, फायरिंग में कहिए, तो आज आपने गाने में भी वही कंसिस्टेंसी आपने दिखाया और आई जस्ट लव द परफॉर्मेंस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंड बेबी, यस सर, ओ माय गॉड, क्या बढ़िया एक्सप्रेशंस, क्या बढ़िया आपकी कंट्रोल वॉइस पे. दिस इज़ व्हाट आई वॉन्ट. दोनों ने जो इस गाने में जो लेके आया एलिमेंट्स, दैट वाज जस्ट सुपर. इस एक्ट को देखने के बाद लोग आप लोगों से पक्का जुड़ जाएंगे. वो बहुत ढेर सारा आपको प्यार देने वाले हैं आप दोनों को. थैंक यू एंड जस्ट गॉड ब्लेस. और बस ऐसे ही गाते रहो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ऐसा गाना चुनना जो गाना बहुत पॉपुलर है, जो हर किसी को पता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है. बिकॉज हर किसी को पता होता है कि ये गाना कैसा है. बट मुझे पता नहीं क्यों लगा कि This song was not for you. आपका आवाज़ बहुत अच्छा है, सिंगिंग में कोई कमी नहीं. थैंक यू सो मच. बट आई थिंक दिस इज़ काइंड ऑफ लिटिल बिट ऑफ मिस मैच. और बेबी के बारे में मेरे लिए कोई कंप्लेंट नहीं है. थैंक यू सर. बहुत अच्छा लगा. एक बहुत मिठास है. और सबसे जो मज़ा मुझे लगा आपका वो परफॉर्मेंस से नहीं, वो शर्माते हुए अपना स्पेस बदलना. That was very interesting. Anyways, और वो आपका एक्ट में नहीं था, बट वो नेचुरली शर्माते हुए उस तरफ चला गया. ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस. बस हाँ, मेरे को जो लगा मैं बोल दिया. बट एनी वे, ऑल द बेस्ट फॉर जो आगे का परफॉर्मेंस होगा. थैंक यू सो मच. Thank you so much, judges, and congratulations, Pem and Baby, on getting such amazing comments. आपने जो improvement करी है episode से लेकर अब तक, that is truly, truly commendable. और अगर हो ही रही है बात यहाँ पे proud feel करने की, तो जैसे कि हमारे लुखम सर ने बताया, मैं हमारे guest judge को ये बता दूँ कि हमारे Pem Shring भाई एक फौजी है और ये फौज में कैसे घुसे उसके पीछे एक बहुत ही interesting story है. Actually, इनको गाने का बहुत ही ज़्यादा शौक था. तो रूपा में एक बार फौजियों की रैली आई थी जहाँ पे वो स्काउटिंग कर रहे थे फौजियों की. तो इनके पिताश्री ने इन्हें कहा कि बेटा जाके तुम भी अपना इंटरव्यू दे आओ. ही वॉज लाइक नहीं, मुझे नहीं करना. लेकिन जब इन्हें पता चला कि अगर आप फौज में घुसोगे तो आपको गाना गाने को मिलेगा, नो वन कुड स्टॉप हिम. ही वेंट अहेड एंड गेव द इंटरव्यू. ही गॉट थ्रू. ही इज अ सोल्जर टुडे एंड ही इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स ऑफ अरुणाचल आइडल Season-4. थैंक यू सो मच. और अब बारी है हमारी प्यारी सी बेबी की. बेबी, जैसे कि मैंने पहले कहा, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुनाइट. यू लुक जस्ट लाइक एन एंजल. थैंक यू मैम. और इनकी थॉट भी किसी एंजल से कम नहीं है. आज वो इस मंच पर इसलिए आई हैं क्योंकि शी बिलोंग्स टू अ वेरी इंटीरियर पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. शी इज़ फ्रॉम चांगलांग. और इनका कहना है कि वहाँ पे जो म्यूजिशियंस है, बाकी के जो आर्टिस्ट हैं, उनको इस तरह का एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. तो आज वो अरुणाचल आइडल में यही साबित करने के लिए आई है कि इफ़ यू गॉट इट, फ्लॉन्ट इट, डोंट लेट एनीवन स्टॉप यू. अगर आपके पास वो टैलेंट है, किसी को आपको रोकने नहीं देना. कम एंड परस्यू व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन. सो बेबी एंड पेम, थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल परफॉर्मेंस एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.
तो आज हो रही है जुगलबंदी राउंड और हो रही है बात दमदार आवाज़ की। तो इसी के साथ मुझे एक बात याद आई है और वो ये है कि आज हमने हमारे जजेस के लिए और हमारे कंटेस्टेंट के लिए एक बहुत ही ख़ास सरप्राइज़ तैयार कर रखा है। तो जजेस, आर यू रेडी फॉर दैट? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू द वन who made a name for himself in the musical history of Arunachal Pradesh by becoming the very first Arunachal Idol. Please put your hands together for the very talented and the heartthrob, Pogga Karbag. Dil ka kya raaz hai, jaane kya kar gaye, jaise andheron mein tum chandni bhar gaye. दिल का क्या राज है, जाने क्या कर गए, जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए. कर चांद तारों को मशहूर इतना क्यों, हम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तू. I love you, tururu, tururu, yeah, yeah, yeah. I love you. दिन भर कर बातें हम फिर भी लगे बातें अधूरी आजकल. मन की दहलीजों पे कोई आए ना, बस तुम जरूरी आजकल. अब्र में हूँ तू आसमां है, पास है तू पर कहा है जिद मेरी तू नहीं मेरी आदत है तू. I love you, tururu, tururu, yeah, yeah, yeah. I love you, I love you, tururu, tururu, yeah, yeah, yeah. I love you, I love you. Thank you. जब सीजन वन में आए थे, ही वॉज द नॉटीएस्ट ऑफ ऑल. सच में सबको बहुत ही परेशान करता था ये, लेकिन अरुणाचल आइडल का टाइटल जीतने के बाद ही हैज ग्रोन अ लॉट और एंड ही हैज ऑल्सो मैच्योर्ड एज अ पर्सन एंड एज एन आर्टिस्ट. So thank you so much, Pogga, for coming here and for giving us such an amazing performance. Lekin aap manch chhod ke jaane se pehle main aapse ye janna chahungi ki Arunachal Idol ka title jeetne ke baad aapne life mein kaise kaise experiences kiye, aapke life mein kya changes aaye. वैसे तो आइडल समय में जैसे कंटेस्टेंट सभी गा रहे थे, आज हमने भी वैसा ही किया और गलतियां भी बहुत हुआ. आइडल मिलने के बाद हमने बेंगलोर पे ज्वाइन किया म्यूज़िक के लिए, तो वहाँ हमने एक साल का कोर्स किया. फिर अभी भी म्यूज़िक ही कर रहा हूँ और शिलोंग पे मैंने ज्वाइन किया है म्यूज़िक. सो बस यही है मेरा सफ़र अभी तक का, वहाँ से लेके यहाँ तक का. तो दैट मीन्स अगर आप अरुणाचल आइडल का टाइटल जीतते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि योर म्यूजिकल जर्नी एंड्स देयर, इट ओनली मीन्स दैट योर म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट्स देयर. सो थैंक यू सो मच पोगे फॉर बीइंग विद अस टुडे. थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू सो मच. तो पोगे कारबा की शानदार परफॉर्मेंस के बाद हम देखेंगे कि हमारे बाकी के कंटेस्टेंट कैसे परफॉर्म करते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. Not nice when someone does it to you, is it? But what about when you do the same?
keeping our surrounding clean is our individual and collective responsibility. Let us all be a part of the change we want to see. Initiated by Department of PHE, Government of Arunachal Pradesh. Swachh Man, Swachh Aap, Swachh Bharat. Welcome back to Kinvanti Presents Arunachal Idol Season 4. Round hai jugalbandi aur ab waqt hai bulane ka hamare agle contestants ko. Please put your hands together for Julie Tikom and Gavin Kamki. Tum aaye to hawaon mein ek nasha hai. Tum aaye to fizaon mein rang sa hai. रंग सारे है बस तुम्हारे और क्या और क्या और क्या और क्या और क्या जज्बात मांगी जवा और क्या और क्या और क्या तुम आए तो हवा में एक नशा सारे है बस तुम्हारे और क्या और क्या और क्या और क्या और क्या थैंक यू Such a sweet performance, and I must say that you guys are complimenting each other very well. फिलहाल हम सुनते हैं कि हमारे जजेस क्या कहते हैं. सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे हमारे गेस्ट जज गुंते सर के से. गेविन जी सर, और क्या चाहिए? बहुत बढ़िया मेरे लिए. आई थिंक आज के लिए यू आर माई आइडल. थैंक यू सर.
क्या पता फ्यूचर में हम लोग साथ में काम भी कर सकते हैं. वाओ. एंड जूली, आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड. पार्टनर ने जो वाइब्स क्रिएट किया, बीच में आपका कुछ डिस्टर्बेंस जैसा लग रहा था मेरे को. थैंक यू सो मच जजेस. जूली, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी. जजेस का मानना है कि आज आपका परफॉर्मेंस बहुत ही कैजुअल रहा. शायद हो सकता है बिकॉज हर किसी का दिन ठीक नहीं जाता, कभी कभी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे भी हो जाती है. लेकिन मैं आप सबको ये बता दूँ कि अपनी जो म्यूज़िक के लिए जो इसका प्यार है, जूली उसे बिल्कुल भी कैजुअली नहीं लेती. क्योंकि टू बी हियर ऑन दिस स्टेज, शी हैज़ गिवन अ बिग सेक्रीफाइस. और वो ये है कि जब अरुणाचल आइडल का ऑडिशन हो रहा था, एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट शी ऑल्सो अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू इन अ वेरी बिग एयरलाइंस, और शी ऑल्सो मेड इट थ्रू द इंटरव्यू, एंड साथ ही साथ शी ऑल्सो मेड इट थ्रू द ऑडिशन इन अरुणाचल आइडल. एंड व्हाट शी डिड इज शी गेव अप हर जॉब एंड शी चोज टू बी हियर. सो जूली, हम सबको आपके ऊपर पूरा भरोसा है एंड हम जानते हैं कि यू विल बी बैक विद द बैंग. और गेविन जी, आपके बारे में तो क्या कहे, आप तो छा गए आज. बहुत ही इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस था आपका, और आज इन्होंने जितनी बेहतरीन परफॉर्म की है इसमें सिर्फ और सिर्फ इनकी मेहनत की वजह से है. क्योंकि गेविन ये भी एक बहुत ही दूर दराज गांव से आए हैं यहाँ पे अरुणाचल आइडल में पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड वहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग या प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिलता. इसीलिए ये कहते हैं कि इनका जो सबसे बड़ा डर है वो ये है कि प्रोनंसिएशन में ये बहुत ही ज़्यादा वीक है, और ये जानते हैं और ये मानते भी हैं. लेकिन राउंड वन से लेके आज तक इन्होंने अपने ऊपर इतना काम किया, और आज हम देख सकते हैं इनका परफॉर्मेंस. लेडीज एंड जेंटलमैन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीज टू वंडरफुल एंड टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स. थैंक यू सो मच. अब हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो अगला राउंड है उसमें आप और भी बेहतरीन परफॉर्म करें. वी विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. टॉप 12 में से 8 कंटेस्टेंट परफॉर्म कर चुके हैं, बचे हैं अब 4. जानेंगे उनका परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. Have you been looking for a perfect makeover for any special occasions, or just love grooming yourselves for your own happiness? Worry no more. The Adara Unisex Beauty Parlor stands out above all with the best skincare treatments from Korea and Thailand, which includes Gold Facial, Watershine BB Glow, Microneedling and lots more. Under the skillful hands of the beauticians, it's not all. We promises you the happiness of the beauty makeover for all the reasons and occasions, because you deserve to love yourself. For more information, please contact 84160-0252. वेलकम बैक टू किनवांटी प्रेजेंस अरुणाचल आइडल Season-4. राउंड है जुगलबंदी, और बुलाते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट्स को. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर कारगर गादी एंड दोर्जे वांगचो. ओ जाना न जाना ये दिल तेरा दीवाना, ओ जाना न जाना ये दिल तेरा दीवाना. जहाँ भी तू जाए तेरे पीछे आए ये तेरा आशिक पुराना. ओ जाना न जाना ये दिल तेरा दीवाना, जहाँ भी तू जाए तेरे पीछे आइए तेरा आशिक पुराना. ओ जाना न जाना. जोर चलता नहीं क्या करूं, अरे दिल संभलता नहीं क्या करूं. ऐसा कांटा लगा प्यार का,
अब निकलता नहीं, क्या करूं तेरी निगाहों का मैं बन गया हूं निशाना। ओ जाना ना जाना ये दिल तेरा दीवाना, जहां भी तू जाए तेरे पीछे आइए तेरा आशिक पुराना। ओ जाना ना जाना, सारी दुनिया से हम रूठ के जाए कभी, क्या पता कोई भौरा हमें लूट के। भौरा नहीं है मेरा नाम है परवाना। ओ जाना न जाना ये दिल तेरा दीवाना, ओ जाना न जाना दिल तेरा दीवाना, जहां भी तू जाए तेरे पीछे आइए तेरा आशिक पुराना। What a performance, guys! What a performance! खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे two bros. क्या रंग जमाया आप दोनों ने, क्या रंग जमाया। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि हमारे जजेस क्या कहते हैं आपके परफॉर्मेंस के बारे में। लुक हम सर बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, तो शुरुआत उन्हीं से करते हैं। मुस्कुराने की एक खास वजह है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कि दोनों मिलके किसी एक लड़की के पीछे भाग रहा है जैसे ना। ऑन सीरियस नोट, गाने का जो चॉइस होता है वो भी मैटर करता है। सिंगिंग लाजवाब था, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वांगचू आपका मुझे थोड़ा सा हार्श लगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो मुझे परफॉर्मेंस था वो मुझे आप दोनों का बहुत बेहतर लगा। और स्पेशली जो आपका जो सबसे पहले जो पार्ट था आपका कर्ग का, हे वो बहुत ही सुंदर गया। और मैं चाहता हूं कि आप दोनों ऐसे ही गाते रहें। थैंक यू सो मच जजेस। आप सभी का मानना है कि हमारे वांगचो और कर्ग का परफॉर्मेंस बहुत ही इंटरटेनिंग रहा। लेकिन मैं आप सबको ये बता दूं कि इस बार हमारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं, हमारे ऑर्गेनाइजर्स का भी कहना है और हमारे जजेस का भी कहना है कि वो बहुत ही सीरियस है अपने परफॉर्मेंस को लेकर, बहुत ही डेडिकेटेड और डिसिप्लिन्ड है वो। उसका एक रीज़न इसलिए है क्योंकि हमारे कंटेस्टेंट में से ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने Season-1, Season-2 और Season-3 में ऑडिशंस दिए, बट मेगा ऑडिशन से वो आगे जा नहीं पाए। उनमें से एक है हमारे कर्ग गादी जी, जिन्होंने Season-2 और 3 में भी ऑडिशन दिया था, पर मेगा ऑडिशंस तक वो पहुँचे। तो इस बार उनका कहना है कि वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं और टॉप 5 में तो अपने लिए वो डेफिनेटली जगह बनाएंगे ही बनाएंगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और मैं ये ऐड करना चाहूँगी, जो हमारे घूमते सर आपने बहुत ही सही पहचाना, हमारे कर्गे जी इज़ द डिसेंट वन एंड ही इज़ अ नॉटी वन। वो मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी तो फिलहाल ये स्टेज में बहुत ही सीरियस लग रहे हैं, लेकिन इनके गाँव में इन्हें पागल कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इनको म्यूजिक का इतना शौक है, इतना शौक है, एक दिन नहीं होता जब ये बिना कोई गाना सुने और बिना उसे गाए एक दिन नहीं गुजार सकते ये। तो ये क्या करते हैं, इनके जो पेरेंट्स की खेती है वहाँ पर चले जाते हैं और दिन भर चिल्ला चिल्ला कर अकेले अकेले गाना गाते हैं। इसके लिए रीज़न से, इसी रीज़न से इसके गाँव वाले इसे पागल कहते हैं। सो एनीवेज, यू गाइज did a great job, there was a beautiful performance and we wish you all the best for the results. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.
कारगे और दोरजी के इस ब्रोसम परफॉर्मेंस के बाद अब बारी है हमारे आखिरी कंटेस्टेंट्स की. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर तारो यांगदा एंड खोदा आपे. पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नग में सजाया तुम्हें. पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें. तुम जो आई जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई. पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नग में सजाया तुम्हें. पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें. तुम जो आई जिंदगी में बात बन गई, सपने तेरे चाहतों के, सपने तेरे चाहतों के देखती हूँ अब कहीं. दिन है सोना और चांदी रात बन गई, हो तुम जो आई जिंदगी में बात बन गई. पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नग में सजाया तुम्हें. पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें. हमारे जजेस क्या कहते हैं? We'll start with Chochu. This was the best performance of the night. There are no doubts about it. I think ये बोलने की भी जरूरत नहीं है. I think सबको पता है. Okay. I want to talk to you, Yangda. The amount of energy you put into singing is just incredible. I have absolutely no words. Thank you. Appi has one of the, you know, most honest voices. One of the most honest people I've met ever. Singing with somebody like Yangda, right? That's a huge challenge. Yes. Because he's very strong and this is kind of his field. So that is why I feel very, very happy that you did never ever said, main nahi gaungi. That is the best thing you can do. Appi, I love you, love you, love you for that. Thank you, ma'am. Aaj shaam ka sabse achha jury yahi hai. Thank you so much, sir. Thank you. Aur main ye bolna chahunga, ek to Appi ne aapka आपके लिए ये गाना चूज़ किया, मुझे ऐसा लगा. लेकिन जब इनका जब आता है, तुम जो आए, उसमें जो मिठास है ना, मुझे नहीं लगता कि दैट यू आर सिंगिंग. मुझे लगा कि ओरिजिनल ट्रैक प्ले हो रहा है. कंग्रेचुलेशंस और आगे बहुत अच्छा कीजिए. माय बेस्ट विशेस. थैंक यू सो मच जजेस फॉर देयर लवली कमेंट्स. और जैसे कि आपने कहा कि हमारे जो तारो यांगदा साहब है बहुत ही मेहनती है, मैं उससे कम्प्लीटली अग्री करती हूँ. क्योंकि इनकी भी एक छोटी सी कहानी है. इन्होंने सिंगिंग शुरू करी चर्च में,
तो शुरुआती दौर पे इन्हें रिलीजियस सॉन्ग के अलावा दूसरा गाना कुछ भी नहीं आता था. तो जब अरुणाचल आइडल सीज़न 1 के ऑडिशंस चल रहे थे तो इनके बड़े भाई साहब ने इन्हें कहा कि आप पार्टिसिपेट करें अरुणाचल आइडल में. तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन अरुणाचल आइडल सीज़न 1 इन्होंने एक नॉन रिलीजियस गाना गाया एंड ही गॉट थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑडिशन और मेगा ऑडिशन में ये पहुँचे. लेकिन भाई साहब को तो एक ही हिंदी गाना आती थी तो इसीलिए उन्होंने सेम गाना मेगा ऑडिशन में भी गाया. तो मेगा ऑडिशन में तो इनका नया पार हो गया लेकिन जब अगले राउंड की बारी आई इनको कोई दूसरा गाना नहीं आता था. तो इन्होंने बहुत ही कम समय में एक नया गाना सीखा और जब परफॉर्म किया तो उस गाने को ये जस्टिस नहीं दे पाए. तभी इनको एक झटका लगा एंड देन ही रियलाइज दैट ही नीड्स टू स्प्रेड हिज विंग. तभी से इन्होंने नए गाने सीखे, नया अंदाज सीखा एंड टुडे ही इज़ इन द टॉप 12 ऑफ अरुणाचल आइडल सीजन 4. सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. एंड सही मायने में बहुत ही मेहनती और डेडिकेटेड है ये. और हमारे आपी के बारे में क्या कहें, आपी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत ही इमोशनल भी है ये. इनकी जो सिंगिंग जर्नी है इनमें इनके फ्रेंड्स का बहुत बड़ा हाथ है. हर फ्रेंड्स हैज़ बीन हर बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम. और इसी के साथ साथ हमारे जो गुंगते सर आए हैं, बहुत ही जाने माने फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर है, आपको ये भी बता दो कि हमारी आपी को सिंगिंग के अलावा एक्टिंग का भी बहुत शौक है और इनके दोस्त इन्हें टिकटॉक क्वीन कहकर बुलाते हैं. सो नेक्स्ट टाइम अगर आपके फिल्म में आपको एक्टर/सिंगर चाहिए तो वी हैव एन ऑप्शन फॉर यू. सो थैंक यू सो मच गाइज एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट अमेजिंग परफॉर्मेंस. थैंक यू. थैंक यू मैम. तो इसी के साथ समाप्त होता है हमारा आज का जुगलबंदी राउंड. हमारा आज का राउंड बहुत ही धमाकेदार और शानदार रहा और ये भी प्रूफ किया कि हमारे कंटेस्टेंट्स के बीच में कितना प्यार है, इतना सपोर्ट किया एक दूसरे के परफॉर्मेंसेस को, इतने कॉम्प्रोमाइजेस करे. उन्होंने हमारे ऑर्गेनाइजर्स की जो फूट डालने की स्ट्रेटजी है उसे फेल कर दिया एंड वंस अगेन प्रूव दैट नथिंग विंस ओवर लव एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट. और अब वक्त हो चला है शुरू करने का हमारा सेकेंड एलिमिनेशन प्रोसेस. तो ये शुरू करने से पहले हमारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पे आ जाए. सो टॉप 12, हमारे पिछले एपिसोड में 3 कंटेस्टेंट थे जिन्होंने अपने लिए सेफ जोन में जगह बनाई थी. तो मैं उन 3 कंटेस्टेंट को आगे बुलाना चाहूँगी. लासाबिकी, पेमश्रिंग एंड तारो यांगदा, कॉन्ग्रेचुलेशन्स, आप इस एलिमिनेशन प्रोसेस से बच गए हैं और आप आगे के राउंड में जा सकते हैं आगे. और बचे हैं आप 9. तो आज के रिजल्ट्स कुछ बताने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आज 2 कंटेस्टेंट इस मंच को छोड़ के जाएंगे और जो रिजल्ट्स इस बेसिस पे बनाया गया है कि जजेस के स्कोर और वोटिंग्स मिलाकर जिनका लोएस्ट स्कोर है वो 2 कंटेस्टेंट आज यहाँ से अलविदा कहेंगे. और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आज के परफॉर्मेंस के अनुसार आप सभी का स्कोर नेक टू नेक था. इसलिए मैं हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपका फेवरेट कंटेस्टेंट है तो प्लीज़ उनके लिए वोट करना ना भूलें. बिकॉज आज जो 2 कंटेस्टेंट इस मंच को छोड़ के जा रहे हैं उनका स्कोर तो बहुत ही अच्छा था लेकिन वोट्स की वजह से उन्हें इस मंच को अलविदा कहना पड़ रहा है. तो मैं 2-2 करके आप सभी को बुलाऊंगी जिनका मैं नाम लूंगी. आप प्लीज़ आगे आ जाएं. सबसे पहले दोरजी और गेबिन, आप आगे आ जाएं. दोरजी वांगचू और गेबिन काम की मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस एलिमिनेशन प्रोसेस में आप दोनों बच गए हैं. कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव मेड इट टू द नेक्स्ट राउंड. आप प्लीज़ जाकर अपनी सीट पर बैठ जाएँ. अगले 2 कंटेस्टेंट जिन्हें मैं आगे बुलाना चाहूँगी वो है कारगे गादी और बेबी मोसांग. कारगे और बेबी, आप आज दोनों का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहा. आप दोनों को बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन मिले हैं. और इस एलिमिनेशन प्रोसेस में बेबी, a big big congratulations to you. aap bach gaye hain is elimination process se. you may please take your seat. aapka performance baby ki tarah aaj bahut hi behtareen raha aur jaise ki hamare judges ne kaha ki aapko mr consistent kehte hain. lagatar har round mein aapne ek se badhkar ek behtareen performance diye.
लेकिन आज के इस एलिमिनेशन प्रोसेस में बड़ी ही खुशी के साथ कह रही हूँ कि यू हैव मेड इट टू द नेक्स्ट राउंड. कंग्रेचुलेशंस. अब जूली और तोकोसामा, आपको मैं आगे आने को कहूँगी. तोकोसामा, आज के जुगलबंदी राउंड में आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा. जजेस ने बहुत तारीफ करी और कंटिन्यूसली कहते रहे कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट वॉइसेस ऑफ अरुणाचल आइडल सीजन 4. और आज के एलिमिनेशन प्रोसेस में यू हैव मेड इट टू द नेक्स्ट राउंड. अ बिग बिग कंग्रेचुलेशंस टू यू. जूली, आज हमारे जजेस ने कहा कि राउंड 1 से लेकर अब तक आपका परफॉर्मेंस बस इम्प्रूव होता जा रहा है, इम्प्रूव होता जा रहा है. यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ कि आपको अगर और मौका दिया जाए तो आप किसी से भी कम नहीं होंगे सिंगिंग के मामले में. और आज के एलिमिनेशन प्रोसेस में आई एम वेरी सॉरी टू से आपको इस मंच को अलविदा कह के जाना पड़ेगा. मैं आप तीनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आगे आ जाएं. आप तीनों की आवाज़ बहुत ही अलग अलग है. तीनों से हमारे जजेस कह रहे हैं कि इस तरह की टोनल क्वालिटी शायद ही अरुणाचल आइडल के पहले सीजन में कभी नहीं आया. लेकिन आप तीनों में से किसी एक को इस मंच को छोड़ के जाना पड़ेगा. और वो कंटेस्टेंट जो आज हमें अलविदा कहकर जा रहे हैं वो है, बड़े ही भारी मन के साथ मैं उनका नाम ले रही हूँ, मीबी तालुक. सो आप दोनों कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू. यू हैव मेड इट टू द नेक्स्ट राउंड. आप दोनों का सफ़र अरुणाचल आइडल में बहुत ही खूबसूरत रहा, बहुत ही खूबसूरत. एंड ट्रस्ट मी, आई लव यू गाइस. इसलिए मंच छोड़ के जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी. ज़रूर याद रखिएगा कि नसीब जिनके ऊँचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं. ये मत भूलिएगा, ये मत सोचिएगा कि आप इस मंच को छोड़ के जा रहे हैं तो आपका म्यूज़िकल जर्नी है यही ख़त्म हो जाएगा. जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है. मैं चाहूँगी कि हमारे जजेस आप इस मंच को छोड़ने से पहले आपसे कुछ कहें. मैं एक ही बात बोलूँगा, लाइफ में कौन जीतता है? वही जीतता है जो हार के समय मुस्कुराता है. जब तक जितना ज़्यादा आपका जो कला है उसको आप प्यार करोगे वो निखर के आएगा. बस उस पागलपन में डूब जाइए, समडे यू विल बिकम ए वेरी वेरी बिग सिंगर, बड़ा स्टार बनेगा. इट्स ओके, जो भी हुए अच्छा अगले हुए. मैं यही होप करते और यही बिलीव करते हैं कि जो होता अच्छा अगले होते हैं. और मैं जो भी जजेस ने कहा है हमको कि कहाँ पे क्या हो रहा है, और हमको वो पूरी तरह समझ में आ रहे हैं कि हमको कहाँ गलत हो रहे और कहाँ सही, और कहाँ तक होने से ही हम आगे पहुँच सकते हैं. और बाकी कंटेस्टेंट्स तो सुअर सेफ की भी तब अच्छा से वर्क हार्ड करो, अच्छा से गाओ दिल से. मेरा जैसा स्टेज में वो मत हो जा. मे बी I really want to say everyone to thank you for voting me, and then ma'am and sir, आप दोनों को बहुत मिस करूँगी. और thank you so much to being with us. It's always a very tough moment जब हम इतने अच्छे talents को अलविदा कहते हैं. इसीलिए आप सबसे मैं ये गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप अपने favorite contestant को चुनते हैं तो सिर्फ चुनना काफ़ी नहीं है, उनके लिए वोट ज़रूर कीजिएगा. तो आज के लिए बस इतना ही. वी शैल सी यू इन आवर नेक्स्ट एपिसोड, सेम टाइम सेम चैनल. गुड नाइट, टेक केयर एंड कीप लविंग अस.